पढ़ाई की आपने? जी। कहाँ तक? पचमा तक। अभी भी पढ़ रहे हैं? अभी नहीं, अभी छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए फिर? पापा डेथ हो गया, इसलिए पैसा कमाने कौन दे, पैसा नहीं लगता एडमिशन में, फिर मैं नहीं ना पढ़ाता है। कितना पैसा लगता था वहाँ पर? चावल दाल कपड़ा लगता, सर्फ साबुन सब। एक आदमी बोल रहा था कि 3000 रुपया दे, हम रांची घूमेंगे, भागलपुर घूमेंगे, हम बनवा देंगे, तो ऐसे बोला। और एक आदमी बोला 500 रुपया दीजिए तो हम बनवा करके लाएंगे, फिर अपना से हम बनाएंगे तो हम आधा पैसा हम काट लेंगे, आधा पैसा तुमको मिलेगा। मम्मी बोली कि इतना पैसा घर में नहीं है, अब किधर से करेंगे, अब आदमी अपने से कर करके देगा तब ना। तो उसके बाद फिर पढ़ाई भी छोड़ दी? छोड़ दी। और ये बैसाखी और ये जूता सब आपको कहाँ से मिला? पाकुड़ से। कैसे खरीदे हैं? जी। तो पढ़ना चाहते हैं आप? जी। मैं भी इसी समुदाय से हूँ, इसलिए मैं और मेरे समुदाय के लोग ये चाहते हैं कि चीता हेम्ब्रम को राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिले। इसलिए मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से विनती करती हूँ कि चीता हेम्ब्रम को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जोड़ने के लिए बोरियो ब्लॉक के CEO गौतम कुमार भगत को मोबाइल नंबर 9955996600 पर कॉल करके हमारी मदद करें। मैं शिखा कुमारी, पहाड़ी जिला साहेबगंज झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।